नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे, 13 उद्योगपतियों पर डीजीजीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। समन जारी करके कोर्ट में तलब किया। 20 अक्टूबर को सभी उद्योगपतियों की पेशी होगी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन लिस्ट में शामिल। 1,60,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर एक आरोपी के खिलाफ कई पन्नों की चार्जशीट। टैक्स चोरी के मामले में डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई। 200 करोड़ के केस में 14 आरोपी बनाए गए। 1,60,000 पन्नों की चार्जशीट। टैक्स चोरी के मामले में डीजीजीआई की यह बड़ी कार्रवाई। 13 उद्योगपतियों पर डीजीजीआई का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। समन जारी करके कोर्ट ने तलब किया। 20 अक्टूबर को सभी उद्योगपतियों की पेशी होनी है और पीयूष जैन का नाम भी इसमें शामिल है। इत्र कारोबारी है पीयूष जैन, जो कि लिस्ट में शामिल। अमित गंजू हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गया। अमित गंजू, क्या जानकारी और किन किन उद्योगपतियों का नाम लिस्ट में शामिल है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2021 का मामला है, जिसमें 2021 में पीयूष जैन को शायद ही कुछ लोग जानते थे, मगर जिस प्रकार से उसके घर से पैसे और धन कुबेर का उसको श्रेणी मिली, घर से 200 करोड़ रुपए का कैश मिलना, उसके सोने का, गोल्ड, बिस्कुट, और उसके बाद एक एक करके जांच का दायरा बढ़ा। डीजीजीआई की टीम ने जो अहमदाबाद की अपनी पूरी जांच की और उसके बाद लगातार जांचों का दौर चला, और इसके बाद जब चार्जशीट तैयार की गई, जो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार की गई, तो इसमें चौंकाने वाली चीजें आई। 1,60,364 पेज की ये तैयार हुई और इनमें 2008 पेज के बाद से उन लोगों का नाम सामने आने लगा जो इसकी अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते थे। इसमें कानपुर के 9 लोग हैं और इसके अलावा कन्नौज की अगर बात की जाए तो इनकी पत्नी, इनके भाई, भाई की पत्नी, इनके साला और इनके साले के दोस्त, यानी वो मेन लोग अभी प्रकाश में आए हैं। जो हमारे सूत्र बताते हैं उनको भी लिया। इनमें 13 लोग ऐसे एडिशनल जोड़े गए जिनको अब सम्मन जारी किया गया, जिन्हें नोटिस जारी किया, जिन्हें तलब किया गया, और 20 तारीख को इन्हें न्यायालय में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होना है। यानी इस केस में अब 14 लोग आरोपित हैं। और सबसे अहम बात जो इसमें सामने आई है, जिन पर्चों के ब्याह पर त्रिमूर्ति का नाम सामने आया वो अभी तक साइलेंट था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो डमी कंपनी थी जिसके बिहाव पर पैसे की ट्रांजेक्शन की गई और पनी को ट्रांसफर भी कराया गया। इसमें हवाला के कंसर्न को भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और इन सब के अलावा कतर, करामा, रुबई, शारजा, बरदुबई, दोहा, जद्दा, और इसके अलावा मिडल ईस्ट कंट्रीज कुछ ऐसी और भी हैं जिनके लोगों का भी कुछ सामने प्रकाश में आया। अब जब ये इन लोगों को 20 तारीख को अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है, अब जब ये कोर्ट में पेश होंगे उसके बाद इनके बयान होंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी क्या। मगर इन सबके बीच कानपुर के वो उद्यमी जिनका नाम इसमें प्रकाश में आया है वो भूमिगत हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तेरह साल पुराने चर्चित कारतूस घोटाले के मामले में कोर्ट आज दोषियों को सजा सुनाएगी। अदालत ने गुरुवार को दोष सिद्ध कर दिया और इस मामले में पुलिस, पीएसी और जीआरपीएफ के 20 जवानों समेत 24 लोग दोषी पाए गए हैं। इसमें 4 आम नागरिक हैं। साल 2010 में 29 अप्रैल को एसटीएफ लखनऊ ने कारतूस कांड की पहली गिरफ्तारी की थी। टीम में जवाहर नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास सेवानिवृत्त दारोगा यशोदा नंद को पकड़ा था। दरोगा पीएसी में तैनात थे। इसके अलावा विनोद पासवान और विनेश कुमार को भी गिरफ्तार किया। दोनों सीआरपीएफ में तैनात थे। तीनों के पास से 2.5 क्विंटल खोखा, 1,76,000 रुपए कैश, आरोपी कारतूस को सीडब्ल्यूएस रामपुर में निकाल रहे थे। वहां से कारतूस को नक्सलियों और आतंकवादियों को सप्लाई किया जा रहा था। दो में हुआ था कारतूस घोटाला। इस पूरे मामले पर सजा का ऐलान आज होगा। रामपुर से बड़ी खबर, कारतूस घोटाला मामले में आज सजा। 2 सीआरपीएफ समेत 24 पुलिस, पीएसी के जवान। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर, कितने बजे फैसला आएगा? जिसमें जो थे ये लोग जो थे आरोपी जो थे जो
ये 24 आरोपी जो है इनको दो सीटों पर सिद्ध हो गए हैं और कोर्ट में जैसा कल इनको दो सीट कर गया था, आज इसके स्पेशल जज जो है ईपीएस के विजय कुमार वो इसकी सजा सुनाएंगे। इन लोगों ने आरोप तो कारतूस से कारतूस आतंकवादियों को नक्सलियों को क्या कहते हैं सप्लाई करती थे और जो नक्सलियों का कांड हुआ था, जो नक्सलियों ने जवानों को शहीद किया था वो इन्हीं जगह के द्वारा जो कारतूस से क्या कहते हैं उनको सप्लाई किए गए थे, उन्हीं कारतूस से जो क्या कहते हैं जवानों की जो शहीद हुए थे। तो पूरा मामला ये बहुत चर्चित था, 13 साल बाद इसका फैसला आया है। इसमें कल 24 लोग जो है उसमें दोषी पाए गए हैं, इसमें सीआरपीएफ के पीएसी के ये लोग सब जवान रहेंगे और आज इनको सजा सुनाई गई। ठीक है, आज यानी कि सजा का ऐलान होगा, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। 13 साल पुराने चर्चित कारतूस घोटाले के मामले में कोर्ट आज दोषियों को सजा सुनाएगी, तो फैसला इस पर आ चुका है और आज सजा का ऐलान होना है। अदालत ने गुरुवार को दोषी सिद्ध किया। इस मामले में पुलिस, पीएससी, सीआरपीएफ के 20 जवानों समेत 24 लोग दोषी पाए गए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके के सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त किए गए हैं। देखिए, क्योंकि सभी लोग सीआरपीएफ के और पीएसी के जवान है, तो मतलब प्रशासन ने जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर ली है। जिन लोग जो लोग कल देसी से आए थे उनको भी ये नहीं पता था कि हमारे पास दोष सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग जो थे बिहार के, गोंडा के और क्या कहते हैं बनारस के, मुरादाबाद के, कई जिलों के, यूपी के कई जिलों के और बाहर के लोग भी थे जिसमें जो है सभी लोग शामिल रहेंगे। उनके परिवार के लोग भी कुछ आए थे, जब उनको दोष सिद्ध हुए तो परिवार के लोगों में भी जो सर उनमें एक माइकम मायूसी भी छा गई और वो भी लोग जो थे बिल्कुल मायूस हो गए। तो कहीं ना कहीं देखने वाले आज कई सुरक्षा के बीच है इन लोगों को सजा सुनाई जाएगी। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन धाराओं के तहत सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि आतंकवादियों को भी और नक्सलियों को भी ये सप्लाई किया करते थे हथियार। ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट इसमें अभी जो है केवल दो सीट हुए हैं और दो सीट के बाद इसी पर जो आरोप है आरोप यही है कि जो ये कारतूस से कारतूस आतंकवादियों को नक्सलियों को सप्लाई करते थे, तो जिससे उनमें जो धाराएं लगी है वो आज ही क्लियर हो जाएगी किन धाराओं में इनको कोर्ट सजा सुनाएगी और उन दोषियों की कितने कितने साल की सजा की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूरा कारतूस घोटाला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 2010 में ये घोटाला हुआ था, दो सीआरपीएफ जवानों से सैकड़ों कारतूस खोके मिले थे। सेंट्रल वेपन स्टोर में तैनात थे दोनों जवान और वहीं से इन्होंने धांधली की थी। 10 अप्रैल 2010 को जवानों को गिरफ्तार किया गया, खाली खोखे बेच रहे थे दोनों जवान। कई जिलों के पुलिसकर्मी और पीएसी जवान इसमें संलिप्त थे। यूपी पुलिस, पीएसी के कई जवान खाली खोखे खरीदते थे, खाली खोखे को भरकर फायरिंग प्रैक्टिस करते थे, खाली खोखे में ओरिजिनल कारतूस बेच रहे थे। ये जांच में नक्सलियों तक कारतूसों की सप्लाई का खुलासा हुआ था। और बड़ी खबर, दिल्ली की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर, सुबह 6 बजे फैक्ट्री में आग लगी। दिल्ली के उद्योग नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। दिल्ली की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सुबह 6 बजे ये आग लगी। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धू धू करके सब कुछ जलता हुआ, धुएं का गुबार जिस प्रकार से उठ रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण यहां पर आगजनी देखने को मिली होगी, क्योंकि प्लास्टिक की फैक्ट्री थी तो आग फैलती ही चली गई। दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के उद्योग नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में अपनी समस्या लेकर पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और एडीए के एई के बीच धक्का मुक्की हो गई। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने जेई समेत अन्य कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष धर्मवीर लोधी अपने क्षेत्र में निजी काम को लेकर प्राधिकरण के ऑफिस गए थे, जहां काम करने के एवज में सुविधा शुल्क मांगा गया। सुविधा शुल्क नहीं देने पर काम को अटका दिया गया। जब उन्होंने इस मामले में विरोध जताया तो एडीए कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और यहां वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का।